Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं हनी कॉम ब्रेड, जिसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, एक कप मैदा, 1/3 कप दूध, मेल्टेड बटर 2 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, पाउडर शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून और नमक लेंगे 1/4 टीस्पून। बोल में ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, ईस्ट, पाउडर शुगर, नमक। अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, बटर और इसे गूंद लेंगे। इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। दस मिनट में हमने डो को अच्छे से गूंद लिया। अब इसे कवर करके रख देंगे। अब इसे कवर करेंगे हम अब इसे कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया, डो राइज हो गई है। अब इसके हम बॉल बनाएंगे, इसको निकाल लेंगे। हसबे जरूरत चीज क्रीम लेंगे। अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। और इसके छोटे छोटे बोल बना लेंगे। एक पेड़े को उठाएंगे, इसे थोड़ा सा रोल करेंगे, प्रेस करेंगे और इसमें चीज क्रीम डालेंगे। और इसका बोल बना लेंगे। इस तरह का बोल बना के बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे। बेकिंग ट्रे को बटर से ग्रीस कर लें, अगर बटर नहीं है तो ऑयल से ग्रीस कर लें। तो इसे रखते जाएंगे इसके ऊपर। इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। अब इसे कवर करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, ताकि ये दोबारा से फूल जाए। 1/2 घंटा हो चुका है, ये डबल हो चुके हैं। अब इसे हम दूध से ब्रश करेंगे। इसे अगर आप दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप अंडा भी कर सकते हैं। अंडे से इसे ब्रश कर लें। दूध से ब्रश कर लिया। अब इस पर कलौंजी डालेंगे। अगर आप कलौंजी नहीं डालना चाहते तो आप तिल भी डाल सकते हैं। अब इसको हम बेक करेंगे। हम इसे बेक करेंगे पतीले में। तो पतीले को हमने प्रीहीट कर लिया था 10-15 मिनट के लिए और इसे बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। पतीले में हमने नमक डाल दिया और कोई सा भी स्टैंड रख लिया। अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें और उसके ऊपर ये बेकिंग ट्रे रख लें। अब इसे हम बेक कर लेंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, उसके बाद लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये बेक हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हनी। इसके ऊपर आप शुगर सिरप डाल सकते हैं। शुगर सिरप बनाने का तरीका ये, 1/2 कप आप पानी लें, 1/2 कप आप चीनी लें और उसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डालें और इसे अच्छे से पका लें। जैसे ये गारा शहद की तरह हो जाएगा तो उसे बंद कर दें फ्लेम को और उसके ऊपर डाल दें। तो अब इसके ऊपर हम शहद डालेंगे और इस पर ब्रश कर लें। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे मैं आपको खा के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है,
बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।